आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप किस तरह से अपने Redmi Note 8 पे Android 12 Pixel Beta 5 को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इजी मेथड है। बस आपको करना क्या है, ये वीडियो एंड तक देखना है। चैनल पे नया आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो इंस्टॉल से पहले थोड़े बहुत इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि तो सबसे पहले आपको इस तरह से क्लिक करना है, विडेज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कौन सा विडेज सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लॉक का विडेज बात कर लेते हैं। 4 यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। आपको जो भी यहाँ पे पसंद लग रहा है आप इस तरह से होल्ड करना है। आपको जिस पेज पे रखना है इस तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। बात किया जाए यहाँ पे मेन मेनू, तो मेन मेनू में आप देख सकते हैं आपको इतने ही एप्लीकेशन मिलेगा। बस मैंने यहाँ पे जो GCam 8.3 है उसे ही इंस्टॉल किया है। जी हाँ, इससे आपको दूसरा कोई कैमरा इसके साथ आपको देखने को नहीं मिलता, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ। ये जो GCam मैं यूज़ कर रहा हूँ, हर एक चीज़ वर्क कर रहा है, सिवाय यहाँ पे आपका वीडियोज़ में स्लो मोशन और टाइम लैप्स के वगैरह। जी हाँ, ये दो ऑप्शन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, अदरवाइज हर एक चीज़ यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पे बात किया जाए कैलकुलेटर, ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 का ही कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाता है। फाइल मैनेजर देख सकते हैं, फाइल मैनेजर का सेटअप आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे हम आपको कॉल करके भी चेक करा देते हैं कि VoLTE इसमें वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 198 बाय डिफॉल्ट नंबर जो भी है, यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे स्पीकर ऑन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं अभी ये प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है। और होम स्क्रीन में आपको एक स्पेशल एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है पर्सनल सेफ्टी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। इससे क्या है कि आपको फिटनेस वगैरह का ये टिप्स वगैरह देते रहेगा, जिससे आप फिट भी रह सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एडिट पे मारना है। एडिट पे मारने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का आपको ऑप्शन, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और दो ऑप्शन और मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे पावर वाला लॉगो, जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे इमरजेंसी लॉकडाउन पावर ऑफ रिबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग पर चलते हैं तो देख सकते हैं इस तरह का आपको लेआउट देखने को मिलता है, वाईफाई कनेक्शन। उसके बाद ऐप्स का जो लेआउट है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें आपको गेम सेटिंग यानी कि गेम का अलग ही इसमें गेम टर्बो आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 12 वाला। अगर आपको एंड्रॉइड 12 के ऊपर गेमिंग वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। सकते हैं बात किया जाए पे बैटरी परसेंटेज की, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अबाउट 4 hours 24 minutes लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, आप अभी करंट जिस हिसाब से अपने डिवाइस को यूज कर रहे हैं उस हिसाब से बता रहा है कि आपका डिवाइस अभी भी 4 घंटा तक बैकअप आपको देगा। जी हाँ, और बात रही यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। हैवी यूज करेंगे तो जल्दी बैटरी जाएगा, नॉर्मल यूज करेंगे तो काफी लंबा समय तक भी बैटरी जाएगा। और बैटरी जो है एवरेज है, ज्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस रोम को बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद स्टोरेज जो है आपका 21% कैप्चर किया रहेगा, 64 GB है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, बाद में आपको फ्री देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड से रिलेटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डिस्प्ले में आने के बाद बहुत जन को उम्मीद है कि ये जो डिस्प्ले है 60 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। डार्क मोड आप चाहे तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो ऑप्शन है आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, इंक्रीज टच सेंसिविटी। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप ग्लास वगैरह लगाते हैं, कभी कभी टच जो है वो बहुत ही वीक काम करता है, यानी कि एक ही चीज़ को आपको 2 से 3 बार टैप करना पड़ता है तब जाके सही से वर्क करता है। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो इससे आपका टच जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करेगा। ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये हर एक डिवाइस में होना चाहिए। नेक्स्ट जो फीचर है वॉलपेपर एंड स्टाइल, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंज वॉलपेपर, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपना फोटो वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद बाय डिफॉल्ट नॉर्मल आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक लाइव वॉलपेपर का भी सेटअप देखने को मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड करना होगा, उसके बाद जाके आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नोटिफिकेशन पैनल अभी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक जो कलर है यहाँ पे आपको इस तरह का, जैसे आप टैप करेंगे अब यहाँ पे आपका कस्टमाइजेशन जो कलर है वो पूरा पूरी चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थीम है आपको अभी नॉर्मल देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे थीमेड आइकन ऑन करूंगा तो देख सकते हैं आपको जो मेरा आइकन पैक है आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। और यही चीज आपका वर्क करेगा पिक्सल जो गूगल कैमरा है उसमें भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले मेरा अलग कलर था और अभी आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का कलर देखने को मिलता है। इस तरह से ये वर्क करता है, काफी ज्यादा एडवांस कर दिया गया है एंड्रॉइड 12 पिक्सल में। अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि Xiaomi में भी इस तरह का फीचर्स वर्क करेगा कि बहुत ज्यादा अलग मिलेगा एंड्रॉइड 12। अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो आप इजिली कर सकते हैं।
कोई भी फिलहाल यहाँ पे एरर मुझे देखने को नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, सभी चीज यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। थोड़े बाद आपको बोल्ड टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जो बोल्ड टेक्स्ट है मुझे काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल जाएगा। लाइव कैप्शन, लाइव ट्रांजेक्शन, ऑडियो एम्पलीफाई, हेडफोन वगैरह यूज करेंगे तो यहाँ से आप ऑडियो एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एप्लीकेशन, यहाँ पे स्क्रीन लॉक आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको क्या क्या ऑप्शन चाहिए, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, स्क्रीन पिन, सभी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐप पिनिंग, यानी कि मान लीजिए आपको अपने एप्लीकेशन को लॉक वगैरह सेट करना तो आप इजीली यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके इसे इनेबल करके कोई भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं, जिसे भी आपको करना है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। देखिए इंस्टॉल प्रोसेस बहुत ही ईजी है, बस आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके डिवाइस में कस्टम रिकवरी भी इंस्टॉल होना चाहिए, चाहे वो TWRP रिकवरी हो, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या कोई दूसरा रिकवरी, आपके डिवाइस में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना जरूरी है। और कुछ फाइल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको इजीली सभी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और ध्यान रहे आपका डिवाइस का बैकअप बना लीजिएगा, अदरवाइज जितने भी फाइल्स आपका डिवाइस में रहेगा वो सभी का सभी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो प्लीज़ बैकअप बना लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, इस तरह से अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ कर लेने के बाद आपको अपने डिवाइस का कस्टम रिकवरी मेन्यू में जाना है। तो रेडमी नोट 8 या शाओमी डिवाइस के लिए आपको सिंपली वॉल्यूम अप और यहाँ पे पावर बटन को इस तरह से प्रेस कर देना है। थोड़े ही टाइम में यहाँ पे फोन वाइब्रेशन होगा, पावर बटन रिलीज कर देना है, वॉल्यूम अप बटन इस तरह से प्रेस करके रखना है। थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पे कस्टम रिकवरी मेन्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहला जो मेथड आएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले बैकअप बना लीजिए, अदरवाइज आपका हर एक डेटा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वाइप में आ जाइए, वाइप माने का डॉल्बी, कैश, सिस्टम, वेंडर, डाटा, इंटरनल। और यहाँ पे इंटरनल को तबे सेलेक्ट कीजिएगा जब आप एंड्रॉयड 12 फाइल को माइक्रो SD या OTG में सेव किए। अगर आप इंटरनल में ही सेव करके रखे तो इसे अनटिक कीजिए, उसके बाद जाके यहाँ पे स्वाइप टू फॉर्मेट कीजिए। फिलहाल मेरा माइक्रो SD में सेव है तो हम यहाँ पे इंटरनल भी वाइप करेंगे। उसके बाद स्वाइप टू वाइप, ध्यान रहे बैकअप बना लीजिएगा, सभी फाइल यहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा। वाइप होने के बाद होम में आइए, वापस से फाइल में जाइए, यहाँ पे आपको सिंपली एंड्रॉयड 12 वाला फाइल का लोकेशन दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे माइक्रो SD है, आपका OTG है तो OTG में, इंटरनल है तो इंटरनल, तो माइक्रो SD इस तरह से सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपने फाइल रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दो फाइल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, डिसेबल DM वेराइटी फोर्स इंक्रिप्शन और दूसरा है पिक्सल 5A बीटा 5 नोट 8 8T। आपको इस फाइल को सबसे पहले फ्लश कर देना है। बाद सिंपली यहाँ पे जो रिबूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, आप रिबूट सिस्टम कर दीजिए। उसके बाद जो भी सेटअप पेज आपको देखने को मिलेगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेटअप वगैरह कर लीजिए। अब आप अपने डिवाइस में एंड्रॉयड 12 को इजीली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपके लिए सबसे पहले प्रोवाइड कर देते हैं। Thank you.